दोस्तों नमस्कार, मैं शेफ जब्बर सिंह नेगी और स्वागत करता हूं आपके अमृतसर किचन में। दोस्तों आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल कोफ्ता करी और ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। इसको आसान से तरीके से आप घर पे बना सकते हो। तो चलो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अभी वेज कोफ्ता करी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 प्याज यानी 200 ग्राम और ये मैंने 4 टमाटर लिए हैं। इनको अभी मैं इसका पीस के पेस्ट बना देता हूँ। प्याज टमाटर को मैंने पीस लिया अलग अलग, ये मैंने टमाटर और ये है प्याज, इसका हमने पेस्ट बना लिया। तो अभी हम सबसे पहले कोफ्ता बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं ले रहा हूँ बीन्स, चॉप की बीन्स, और साथ में मेरे पास है चॉप किया हुआ शिमला मिर्च, और ये है चॉप की हुई गाजर। इसमें डालूंगा मैं चॉप किया हुआ जिंजर, साथ में मैं डालूंगा चॉप की हुई हरी मिर्च, और ये है मेरे पास ग्रेटर किया हुआ आलू, इसको मैंने ग्रेट करके रख दिया बारीक तरीके से, और साथ में मैं डालूँ इसमें पनीर। तो पनीर अगर आपके पास अवेलेबल है तो डालिए, करनी है तो ना डालिए कोई बात नहीं, क्योंकि ये वेज कोफ्ता है तो इसमें पनीर है तो डालना है, नहीं है तो नहीं डालिए। और साथ में थोड़ा डाल देंगे इसमें धनिया चॉप। तो इसमें मैं डाल रहा हूँ नमक, थोड़ा सा नमक डालेंगे, और ये है जीरा पाउडर, थोड़ा सा डालूँगा मैं इसमें धनिया पाउडर, और थोड़ा सा डालूंगा इसमें लाल मिर्च, और इसको हम अभी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मसालों को सब्जियों के साथ मिक्स करेंगे। तो इसमें अभी हम बाइंडिंग देने के लिए डालेंगे 1 चम्मच मैदा, बड़ा वाला चम्मच डालिए आप, और साथ में डालूंगा मैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, और इसको अभी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो मिक्सर हमारा तैयार हो चुका है और इसके अभी हम कोफ्ते बना लेंगे। अभी हमने थोड़ा सा हाथ पे ऑयल लगाना है ऐसा, ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं वो परफेक्ट निकले। तो आपने इस तरीके से बनाने हैं कोफ्ते, और इसको गोल गोल बनाना है आपने इस तरीके से, सारे बॉल बना के रख देंगे हम यहाँ पे। कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं, अभी हम इनको फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें डाल देंगे कोफ्ते। ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोफ्ते आपके काले हो जाएंगे बाहर से और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो मीडियम टू लो पे आपने इनको फ्राई करना है यहाँ पे। तो कोफ्ते हमारे फ्राई हो रहे हैं बढ़िया तरीके से, और बहुत ही बढ़िया कलर आ रखा है कोफ्तों का, आप देख रहे हो। इसको अभी हम थोड़ा देर और फ्राई होने देते हैं। कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं हमारे, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर कोफ्तों का। तो पैन हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे ऑयल, 2 चम्मच मैंने बड़े वाले ऑयल डाले हैं इसमें, और साथ में डालेंगे हम इसमें जीरा, जीरा को हम थोड़ा गर्म होने देंगे, और इसमें डालूंगा मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक का पेस्ट थोड़ा हम भूनेंगे, ज़्यादा ब्राउन में निकलना है इसको। और अभी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ जी ऑनियन का, जिसका मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था, तो इसको हमने अच्छी तरीके से भूनना है, पकाना है बढ़िया से। प्याज हमारा एकदम ड्राई हो चुका है, जो मैंने अभी इसमें मैं ऐड करूँगा टमाटर, जो मैंने टमाटर पीस के रखे हुए थे, और साथ में इसमें डालूंगा 1 चम्मच नमक। नमक से क्या है, हमारा टमाटर प्याज जल्दी और गल जाएगा, और इसको मिक्स करेंगे अभी थोड़ी देर। तो मसाला हमारा अच्छी तरीके से जो प्याज टमाटर थे भुन गए, अभी हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी चिली पाउडर, और साथ में मैं डालूंगा हल्दी, धनिया पाउडर, और एक गरम मसाला। अभी हम मसालों को इसमें साथ में भुनेंगे थोड़ा, ताकि मसाले हमारे अच्छी तरीके से भुन जाएं। तो अभी मैं इसमें पानी ऐड करूंगा, मसाले हमारे पक चुके हैं, तो पानी ऐड करके हम इसको अभी एक अच्छा सा बॉयल दिलाएंगे, हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी बढ़िया सी।
तो ग्रेवी हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुकी है और एकदम कोफ्ते की जो करी होती है ऐसी सेम रेडी हो चुकी है हमारी। तो अभी हम इस पर थोड़ा सा ऐड कर लेंगे बटर, इससे क्या एक बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। और साथ में मैं डालूँगा इसमें क्रीम। इसको मिक्स करने के बाद अभी हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हरा धनिया। अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा देर, इसको और अच्छा थोड़ा से और पका लेंगे। जो करी है हमारी एकदम बहुत ही परफेक्ट करी तैयार हो चुकी है, देख रहे हो आप कितना अच्छा कलर आया है इसका। और अभी थोड़ा सा डालूंगा इसमें कस्तूरी मेथी पाउडर, रोस्टेड की हुई कस्तूरी मेथी है, इससे क्या है खाने का थोड़ा बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो करी हमारी तैयार हो चुकी है, अभी हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि शेफ आपने कोफ्ते बनाए हैं तो ग्रेवी में क्यों नहीं डाले। आप ग्रेवी में कोफ्ते डाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब आपकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी तभी आप ग्रेवी में कोफ्ते डालना, क्योंकि कोफ्ते बहुत सॉफ्ट होते हैं। इसकी हम गार्निश कर लेंगे कोफ्ते के अपनी, थोड़ा सा क्रीम डालेंगे इसमें, थोड़ा सा डाल देंगे इसमें रोगन। अभी रोगन है जो आप चौप मसाला बनाते हैं तो उसका हमारा रोगन निकल जाता है, हल्का सा हम इसमें धनिया डाल देंगे ऊपर से। और ये कोफ्ता करी हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा हमारा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।